तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3E, है ना। शुरुआत करेंगे 3E का। तो उससे पहले, शुरुआत करने से पहले समझ लीजिए, कोई भी अगर बहुपद दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए PX दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो दिया ही रहेगा, है नहीं दिया रहता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3X प्लस 2 या 4 ऐसे करके नहीं दिया रहता है, है दिया रहता है ना, है। तो अब मान लीजिए इस तरीके से अगर दिया रहेगा, है ना, इस तरीके से अगर दिया रहेगा, तब क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग को बोलेगा कि इस PX दिया हुआ है, ठीक, इसको हम लोग बहुपद बोल दिए, ठीक है, मैंने दिया हुआ PX, इस बहुपद को हमने PX बोल दिया, ठीक। अब अगर इस बहुपद में किसी चीज से भाग लग जा रहा है, किसी चीज से भाग लग, मैंने किसी दूसरे बहुपद जिसको हम लोग QX बोलेंगे, जिसको हम लोग QX बोलेंगे, अगर उससे इसमें भाग लग जा रहा है, ठीक है, हैं, अगर उससे इसमें भाग लग जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि X माइनस एक से अगर भाग लग जा रहा है, X माइनस एक से अगर भाग लग जा रहा है, तो ये जो X की वैल्यू होगी ना, जीरो रखने पर जो मिलेगी X की वैल्यू, ये जो X की वैल्यू होगी यहाँ से, है ना, ये जो X की वैल्यू होगी, है ना, इसका मतलब ये अगर ये भाग दे दे रहा है, QX अगर PX को भाग दे दे रहा है, पूरा पूरा काट दे रहा है, तो इसका मतलब कि X की जो वैल्यू आ रही है एक, X की वैल्यू आ रही है ना एक जीरो रखने पर, ये भी ये अगर इस X के जगह पर रख देंगे तो जीरो आ जाएगा, ये अगर X के जगह पर रख देंगे तो जीरो आ जाएगा। देखते हैं कि ये जीरो ला रहा है कि नहीं, ठीक है, जैसे एक का स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ एक, ठीक है, एक एक कम, तीन एक कम, चार घटाओ, हाँ ये चार नहीं हुआ, तीन और एक चार, चार घटाओ चार बराबर जीरो। तो इसका मतलब कि ये जो है एक्स माइनस एक जो है इसमें भाग दे रहा है ना, पूरा पूरा कट जा रहा है। और इसका ये भी मतलब है कि एक जो है क्या है, इसका एक शून्यक है, इसका एक शून्यक है, ठीक है, एक और शून्यक हो सकता है, काहे कि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, ठीक है, तो एक शून्यक तो ये हो गया, दूसरा शून्यक भी हो सकता है। दूसरा शून्यक क्या हो सकता है, दूसरा शून्यक हो सकता है एक्स प्लस तीन, इसका एक गुणनखंड होगा, इसका एक गुणनखंड एक्स जोड़ तीन होगा, ठीक है, नहीं एक्स जोड़ चार ना होगा, एक्स जोड़ चार होगा, ठीक है, दूसरा गुणनखंड इसका एक्स जोड़ चार होगा, यानी एक्स बराबर माइनस चार, ठीक होगा, तो एक्स बराबर माइनस चार रख के देखते हैं, जहां जहां एक्स वहां वहां माइनस चार, तो माइनस चार का स्क्वायर जोड़ तीन गुणे माइनस चार, यहाँ पे माइनस चार तो भैया चार चौक चार तियाई बारह, माइनस में चार सोलह और माइनस सोलह बराबर कितना जीरो। इसका मतलब कि माइनस चार भी एक शून्य है, शून्य हम लोग समझ गए हैं, ऐसा शून्य कहते हैं, ठीक है। और भाग लगता है तो यही गुणनखंड प्रमेय भी होता है, यही गुणनखंड प्रमेय भी होता है, ठीक है, इस गुणनखंड कहाँ पे चार चौका सोलह किए, तो दो बार गुणा किए माइनस में माइनस से, इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। इवन बार में करते हैं तो प्लस हो जाता है, ऑड बार में करते हैं तो माइनस हो जाता है, ठीक, हाँ माइनस, फिर पावर फोर हो जाएगा तो फिर प्लस, फिर पांच हो जाएगा पावर तो फिर माइनस, फिर छह हो जाएगा पावर तो फिर प्लस, फिर सात हो जाएगा तो माइनस, जब जब ऑड आएगा यानी कि विषम संख्या इस पर रहेगी तब तब माइनस, सम संख्या रहेगी तब तब प्लस, ठीक। अच्छा ये हो गया, लेकिन एक बात और है, क्या एक्स प्लस तीन से इसमें भाग लगेगा, है? तो अब तो एक्स प्लस चार और एक्स माइनस वन से तो इसमें भाग लग जाएगा, ये तो हमको पता है, लेकिन एक्स प्लस तीन से भाग लगेगा क्या, और नहीं लगेगा तो कितना बचेगा, नहीं लगेगा तो
कितना बचेगा ये कैसे हम जानेंगे? तो हमने क्या किया, फिर जीरो रखा, x बराबर जीरो, तो ये दे दिया x बराबर माइनस तीन, ये क्या दे दिया x बराबर माइनस तीन दे दिया। अब जरा समझिए कि इसमें फिर हमने माइनस तीन रख के देखा कि क्या भाग लग रहा है, और अगर नहीं भाग लग रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे, प्लस तीन गुने माइनस तीन और माइनस चार, तो अब हम भाग लगाते हैं तो तीन तिहाई प्लस में तीन तिहाई माइनस में चार, ये प्लस में और माइनस होते खत्म हो गया, तो माइनस चार बचा ना, तो ये हमारा शेषफल बच जाएगा। ये क्या बच जाएगा? शेषफल। इसको हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस तरीके से शेषफल प्रमेय से हम लोग शेषफल निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालते हैं। एक बार देख लेते हैं भाग लगा के x प्लस तीन से क्या क्या इतना बच रहा है, ठीक। एक बार भाग लगा के देख लेते हैं, देख लिया जाए है। तो आइए एक बार भाग लगा के हम लोग देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस चार, यही ना है, x प्लस तीन से भाग लगाना था ना, है कितना लाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर लाने के लिए, इसमें एक्स से गुणा करना पड़ेगा, है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, ये माइनस कट गया, ये भी कट गया, माइनस चार शेष बचा, यहाँ पे भी माइनस चार शेष बचा था, तो बिना भाग लगा पता चल गया, इसको शेषफल प्रमेय कहते हैं। समझ में आ गई बात, है कोई दिक्कत? एक्सरसाइज चालू करें, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, खोल दिया जाए, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है यदि त्रिघात बहुपद, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला का पहला है नहीं, पहला का पहला, यदि त्रिघात बहुपद कितना है एफ एक्स के लिए एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू जीरो, हो तो एफ एक्स का एक गुणनखंड, एफ एक्स का एक गुणनखंड लिखें, यही ना दे रहा है, देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर एक का एक पहला कि यदि त्रिघात बहुपद एफ एक्स के लिए एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू जीरो हो तो एफ एक्स का एक गुणनखंड लिखे, तो एफ एक्स का एक गुणनखंड, तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि अगर ये एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब कि एक्स इज इक्वल टू फोर होगा, हैं? अतः एक्स माइनस चार बराबर जीरो होगा, हम नहीं कह सकते हैं कि x माइनस चार जो है वो एफ एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, कह देंगे ना, कोई दिक्कत है, है एफ ऑफ चार हमारा जीरो ला दिया, जो जीरो ला देता था वही ना शून्य कराता था, है तो इधर आ जाता था तो x की वैल्यू हो जाती थी, फिर वापस ला देंगे है चिन्ह बदल के, तो नहीं हो जाएगा वही गुणन बहुपद गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले का दूसरा बोल रहा है, पहले का दूसरा ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि f ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक, तो एफ एक्स का एक गुणनखंड लिखे, अरे तो x बराबर हम क्या नहीं लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन थ्री, लिख सकते हैं, और थ्री से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री एक्स हो जाएगा बराबर माइनस वन, हैं तो हम नहीं कह देंगे थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यही हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन है हो जाएगा ना, तो बस यही आंसर हो गया, नहीं
अब देखते हैं हम लोग क्या नंबर, दो नंबर देखते हैं। इसी में दो नंबर देखा जाए, जगह है। बोला यदि द्विघात बहुपद px के लिए p3 इज इक्वल टू p3 इज इक्वल टू 6, p3 इज इक्वल टू 6, तो px माइनस 6 का एक गुणनफल लिखें। तो देखिए p3 इज इक्वल टू 6, अभी हमने पढ़ा ना कि जो बच जाता है वो शेषफल हो जाता है। अगर शेषफल गायब कर दिया जाए, अगर शेषफल गायब हो जाता तो पूरा पूरा भाग लगता नहीं, तब ये क्या हो जाता, तो ये उसका गुणनखंड हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता है, और वही तो बोल रहा है कि गुणनखंड लिखे हैं। तो यहाँ पे इसने माइनस करने के लिए कही दिया है, तो क्या p3 का अगर 6 आ जाएगा, इसमें से माइनस 6 कर देंगे तो ये जीरो नहीं हो जाएगा, p3 इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 नहीं हो जाएगा, इसका मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर देखा जाए यहाँ पे। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालें, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालिए। तो थ्री का फर्स्ट, ठीक है, थ्री का फर्स्ट बोल रहा है कि y² - 5x + 6। तो ये अचर पद है ना, लिखेंगे अचर पद 6 के संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो +-1, +-2, +-3, अब +-6, बीच में 1/2, 1/3, 1/6 वगैरह भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो अब देखिए एक एक करके हम लोग रखते हैं नहीं। तो यदि y बराबर एक लीजिए तो क्या हो जाएगा, p1 = 1 का स्क्वायर 5 × 1 + 6 नहीं ये ना हो जाएगा, है। अब देखिए 1 हो जाएगा घटाओ 5 हो जाएगा जोड़ 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 7, 7 में से 5 घटिया तो कितना बचा, 2 बचा, है, तो ये नहीं होगा। 7 में 6 और 1 7 ++ जुड़ता है, है, तो ये नहीं ना हुआ। p = -1 लेने पर y = -1 लेने पर तो -1 ले लीजिए, तो -1 का स्क्वायर -5 × -1 जोड़ 6 तो ये हो जाएगा, आई -5 हो जाएगा जोड़ 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। होगा क्या, हैं, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y = 2 लेने पर दो ले लीजिए, तो y = 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, p2 = 2 का स्क्वायर घटाओ 5 × 2 जोड़ 6, ठीक, 5 × 2 जोड़ 6, तो 6 × 4 = 10 और -10 = 0 हो गया, है, y बराबर अतः लिख देंगे अतः
वाई माइनस दो, क्योंकि वाई बराबर दो है तो वाई माइनस दो बराबर जीरो हो जाएगा कि नहीं। वाई माइनस दो एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब फिर वाई बराबर तीन लेने पर, तीन लेने पर वाई बराबर तीन लीजिए तो पी थ्री बराबर तीन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पांच गुणे तीन जोड़ छः बराबर हो जाएगा तीन तिहाई नौ, पांच तिहाई जोड़ छः तो नौ छः पंद्रह, पंद्रह में से पंद्रह कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अतः वाई माइनस तीन भी एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है तो हम लिख सकते हैं आंसर, क्या लिख सकते हैं आंसर यहां पे लिख देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा हमारा वाई माइनस दो और वाई माइनस तीन, वाई माइनस दो और वाई माइनस तीन, इसे जा आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अचर राशि क्या है 18 नहीं, इसी को अचर राशि कहते हैं। तो अचर राशि क्या लिखेंगे, अचर अचर राशि 18 के संभावित गुणनखंड, संभावित गुणनखंड कौन कौन से होंगे, प्लस माइनस ना, एक प्लस माइनस दो, हाँ प्लस माइनस छ और प्लस माइनस और प्लस माइनस 18, यही सब ना होगा, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है एक बटे दो एक बटे तीन ये सब नहीं, और भी बहुत सा होता है, लेकिन इतने में ही हम लोग देखने की कोशिश करते हैं नहीं है। तो बारी बारी से रखते हैं x का वैल्यू और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तब देखिए अनुमान लगा लीजिए ना, एक रखेंगे तो 18 के पास पहुंचेगा है, माइनस 18 करना ना, इधर इधर वाला को प्लस 18 करना तब ना माइनस 18 से जीरो जाएगा है। तो अनुमान लगाइए तो एक रखेंगे तो ये एक हो जाएगा, ऐसा तो कम सात सात और एक आठ हो जाएगा, दस को कम हो जाएगा, दो रख के देखते तो चार हो जाएगा, आई 14 हो जाएगा, 14 चार 18 नहीं हो जाएगा, तो दो रख के देख लेते नहीं, एक बराबर दो लेने पर ठीक है, है? तो पी दो बराबर क्या, दो का स्क्वायर नहीं प्लस सात गुने दो माइनस 18 यही ना, तो कर दीजिए दो दुनी सात दुनी घटाओ 18, 18 में से 18 घटा दिया तो जीरो, यानी कि x बराबर दो, अतः x माइनस दो पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये तो तय हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स घटाओ 18 ठीक है। अब देखिए ये बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये तो हो गया, लेकिन दो गुणनखंड होंगे ना, क्योंकि घात दो है, जितना घात होगा उतना ही गुणनखंड होगा नहीं। अब देखिए मैंने एक्स का मान उतना ही होगा ठीक, मूल उतना ही होते हैं। अच्छा देखा जाए, अब अनुमान तो हमने दो वाला लगा लिया ठीक, माइनस वाला से तो काम चलेगा नहीं, अब दो के माइनस से, अच्छा अब तीन वाले से लगा के देखेंगे तो तीन वाले से तो नहीं होगा, तीन तिहाई नौ है ना, सत्या 21 बहुत गड़बड़ कर देना नहीं, नौ वाले से लगा के देखते हैं, छः वाले से भी नहीं होगा, नौ वाले से लगा के देखते हैं ठीक है। अब देखिए छः वाले से पहले लगा के देख ले क्या,
छः वाले से होगा नहीं होगा, तो नौ वाले से लगा के देखें। हाँ तो नौ से नौ नवा इक्यासी, लेकिन इक्यासी हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, है बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तब ना इसके बराबरी करेगा। हैं तो ऐसा करते हैं कि माइनस नौ रख के देखते हैं, तो नौ नवा इक्यासी, ये तो इक्यासी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो नौ सत्ते तिरसठ, तिरसठ और अट्ठारह इक्यासी हो जाएगा, तिरसठ अट्ठारह इक्यासी हो जाएगा, इक्यासी हो जाएगा, नहीं है तो माइनस नौ रख के देख लेते हैं, नहीं एक्स बराबर माइनस में नौ लेने लेने पर, ठीक इसको मिटा देना, बात समझ में आ गई है, है? एक अनुमान लगा लेते हैं, नहीं अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब माइनस नौ लेने पर क्या करेंगे, p माइनस नौ बराबर क्या करेंगे, माइनस नौ का स्क्वायर प्लस सात गुने माइनस नौ माइनस अट्ठारह, ठीक है, है? ये वाला देखिए, ठीक है अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट p माइनस नौ बराबर, देखिए नौ नवा इक्यासी अभी तो हम लोग देख चुके हैं ना, है माइनस 63 माइनस 18, ठीक 81 माइनस 81 हो जाएगा, है 81 में से 81 माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, है तो हम लोग क्या देंगे कि x इज इक्वल टू माइनस 9 भी हो सकता है, है x इज इक्वल टू माइनस 9 हो सकता है, माइनस 9 तो x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक तो जब जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे अतः x प्लस 9 जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो जब गुणनखंड है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, है x माइनस 2 और x प्लस 9, दिस इज एट आंसर, इसको जल्दी से नोट कीजिए, थ्री का थर्ड है ना, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स प्लस 5, अब देखिए 6 5 30 हो गया ना, है या तो 6 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बटे 6 हो जाएगा, यहाँ पे बटे 6 हो जाएगा, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे अगर 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बटे 6 हो जाएगा, यहाँ पे बटे 6 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है या फिर 6 5 30 हैं 30 कर देंगे तो 30 का संभावित गुणनखंड देख लेंगे, ठीक है तो आपको जैसे करना है वैसे कर लिए। चलिए अगर 6 कॉमन ले लेते हैं तो माना कि पी एक्स बराबर क्या, 6 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6, ये हो गया है, तो अचर पद तो 5/6 है ना, तो 5/6 के संभावित संभावित गुणनखंड, गुणनखंड क्या क्या गुणनखंड हो जाएंगे संभावित गुणनखंड भाई, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक बट्टे 3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं 5 भी तो हो सकता है, हैं 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सब नहीं हो सकता है, तो पहले 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, है ना, और फिर 5 लिख दीजिए, ठीक है अच्छा 5/2 लिख दीजिए,
पाँच बटे तीन लिख दीजिए, नहीं है फिर छः लिख दीजिए, ये सब जो है ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब इसमें से कम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि x बराबर कितना ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो सब प्लस है तो माइनस वाला ही कोई लेना होगा है। अब एक बटे दो ले लेंगे तो यहाँ पे तो कट जाएगा, यहाँ पे नहीं कटेगा तो दिक्कत कर देगा, यहाँ पे भी नहीं कटेगा लेकिन सब नहीं कटेगा, 1700 तो कोई काट ही नहीं रहा है तो ले लेंगे तो एक बटे दो यानी कि दो दूनी चार नहीं कट रहा है, एक बटे तीन लेते हैं तो देखते हैं। हाँ एक बटे तीन लेके देखा जा सकता है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तीन तिहाई नौ हो जाएगा तो कटेगा तो दो तिहाई छः तीन तिहाई नौ। हाँ तो देखिए चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक बटे तीन माइनस एक बटे तीन लेने पर ठीक है, क्योंकि माइनस ही लेंगे तभी सब प्लस है, प्लस वाला लेने से कुछ नहीं होगा तो पहले तो प्लस वाले को छाट ही देंगे ठीक है, जो भी लेंगे वो माइनस वाला ही लेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, पी माइनस एक बटे तीन बराबर तो सिक्स हो जाएगा है, अच्छा इनटू माइनस एक बटे तीन ये हो गया का स्क्वायर प्लस 17 गुणे माइनस एक बटे तीन प्लस पाँच नहीं छः गुणे ये प्लस में हो जाएगा नहीं एक बटे नौ तीन से कर दिए तीन दूनी छः तीन तिहाई नौ भी कर देते नहीं ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 17 बटे तीन ये पाँच हो जाएगा ठीक, पाँच तिहाई 15 और दो 17 17 बटे तीन घटाओ 17 बटे तीन बराबर जीरो हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक बटे तीन हो जाएगा x बराबर ये तीन से गुणा कर दिया तीन एक्स हो जाएगा जोड़ एक हो जाएगा है बराबर जीरो हो गया, ये गुणनखंड मिल गया। दूसरा गुणनखंड भी यहीं से खोजिए कहीं तो एक बटे तीन हो गया दो रखेंगे तो 17 दुनी 34 और माइनस दो रखेंगे तो 17 दुनी 34 तो माइनस में 34 आ जाएगा तो दो दुनी चार छः 24 और पाँच 24 पाँच 29 नहीं होगा नहीं तीन रखेंगे तो माइनस तीन 57 51 ठीक है तीन तिहाई नौ नौ छः 54 और पाँच नहीं होगा एक बटे पाँच प्लस माइनस एक बटे पाँच भी तो घुस सकता था है तो माइनस एक बटे पाँच से देखते हैं तो पाँच पचे 25 नीचे आ गया ठीक है और ये छः माइनस 17 बटे पाँच नहीं ये तो पाँच है ही तो ये सब क्या हो जाएगा 25 नहीं तो छः हो जाएगा घटाओ 17 पचे 85 25 पचे 125 ये भी नहीं हो रहा है नहीं हो रहा ना। अब क्या खोजेंगे तो यहाँ पे 5/2 तो 5/2 लेने पर तो देखिए यहाँ पे इसमें रख के देख लेते हैं, इसमें भी रख के देख सकते हैं, इसमें भी रख के देख सकते हैं ठीक है, हमने पहला वाला इसमें रख के देखा था है ना, यहाँ पे भी रख के देख सकते हैं तो यहीं पे रख के देख लेते हैं ना 5/2 तो 25/4 ठीक है माइनस 17/6 × 12 नहीं 5/2 17/5 85/12 ना 85/12 नहीं और ये 5/6 है तो जोड़ 5/12 हो जाएगा एलसीएम 25 तिहाई 75
नहीं, चार तीन बार तो पच्चीस, तीन पचहत्तर, घटाओ बारह है तो पचासी ही रहेगा, छः दुनी तो पाँच दुनी दस, तो पचासी बटे पचासी घटाओ पचासी अब बटे बारह यानी कि जीरो हो जाएगा। तो ये रख सकते हैं नहीं, तो x बराबर क्या लेने पर माइनस पांच बटे दो लेने पर, क्या कि प्लस वाला तो होगा ही नहीं, नहीं हाँ? पी एक्स बराबर छ, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि पांच पचे पच्चीस बटे चार, अभी तो देखे हैं जोड़ सत्रह बटे छः है, इसमें पाँच बटे दो से गुना कर दें, सत्रह पचे पचासी बटे बारह, तो माइनस में पचासी बटे बारह, ये पाँच बटे छः तो है ही, पाँच बटे छः तो है ही, तो छः हो जाएगा, ये सब का लघुत्तम हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा ना, है चार तिहाई तो पच्चीस तिहाई, बारह कम तो पचासी, छः दुनी बारह तो पाँच दुनी तो छः, पचासी घटाओ पचासी बटे बारह यानी कि जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर कितना माइनस पाँच बटे दो, तो दो एक्स जोड़ पाँच बराबर जीरो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, निकल के हमारे पास यहाँ से आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर लिख देते, दो है देखिए थ्री एक्स प्लस वन आ गया ये वाला, ठीक है, एक ये वाला आ गया, दो एक्स जोड़ पाँच, दिस इज आंसर, इसको नोट किया जाए।